हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रविंद्र व्यास और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल बिजनेस आइडियाज़ IBI में। IBI के द्वारा मैं इंडस्ट्रियल मशीन्स के बारे में जानकारी देता हूँ और आज हम बात करेंगे न्यूमेटिक कन्वेयर्स के बारे में। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है फूड और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। फूड इंडस्ट्री में स्पाइसेस और रॉ मटेरियल को साइलो में ट्रांसपोर्ट करने के लिए न्यूमेटिक कन्वेयर का यूज किया जाता है और फार्मास्यूटिकल में भी इंग्रेडिएंट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो आज हम देखेंगे दो एग्जाम्पल के द्वारा कैसे 2 टन पर आवर न्यूमेटिक कन्वेयर को हम डिजाइन कर सकते हैं, कैसे उसके पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखिए और सीखिए न्यूमेटिक कन्वेयर को बनाना, डिजाइन करना और इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी वीडियोस लेके आऊँ तो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, देखते हैं न्यूमेटिक कन्वेयर डिजाइन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो मैंने ये स्टेप्स का स्लाइड आपके स्क्रीन पर रख दिया है। देखते हैं, इसमें पहले सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड पाइप साइज़ को एस्टीमेट करना होगा। दूसरे स्टेप में हमें इसका साल्टेशन वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगा। दोस्तों, साल्टेशन वेलोसिटी वो वेलोसिटी है एयर का, तो एयर से आप कन्वे कर रहे हैं तो मटेरियल पाइप के अंदर जो है एयर के अंदर डिजोल्व नहीं होके जिस वेलोसिटी पे वो सेपरेट होने लगता है, पाइप पे डिपॉजिट होने लगता है, उसको साल्टेशन वेलोसिटी कहते हैं और ये क्रिटिकल वेलोसिटी होता है। तो सबसे अहम है इसको कैलकुलेट करना। तो सेकंड स्टेप में हम साल्टेशन वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप है हमारा लॉसेस को कैलकुलेट करना। पाइप के अंदर डिफरेंट टाइप के लॉसेस होते हैं। फर्स्ट है हमारा एक्सीलरेशन लॉसेस, जो कि पार्टिकल को एक्सीलरेट करने के लिए इनिशियल स्टेज में काम आता है। देन हमारा वॉल फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं और वर्टिकल लिफ्टिंग लॉसेस होते हैं। तो ये सब लॉसेस हम कैलकुलेट करेंगे। अंत में जो हमारे बैंड्स होते हैं उनमें लॉसेस होता है, तो उनको इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ पाइप में कन्वर्ट करके वर्टिकल लॉसेस के साथ रखेंगे। तो थर्ड स्टेप में हम सारे लॉसेस को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम लॉसेस कैलकुलेट करने के बाद हमें ये जो प्रेशर लॉसेस है ये हमें एक ब्लोअर से इनको फीड करना है। जो न्यूमेटिक ब्लोअर है उसका हम पावर कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्थ स्टेप में हम पावर कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों, 4 स्टेप है, बहुत लंबा प्रोसेस है लेकिन मैंने इसको सिंपल बना दिया है। ओनली 4 स्टेप्स में आप इसको इजीली एक न्यूमेटिक कन्वेयर को डिजाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहला स्टेप, इसमें हमें रफ़ एस्टीमेट करना है पाइप का। तो मैंने रफ़ एस्टीमेट के लिए 1 टन के लिए 50 mm, 2 टन के लिए 75, 3.5 के लिए 100, 5.5 टन के लिए 125, 8 टन के लिए 150 mm, 10.5 टन के लिए 175 mm, 14 टन के लिए 200 mm और 21.5 टन के लिए 250 mm। तो ऐसे हमको जो रिक्वायर्ड टन पर आवर के लिए कन्वेयर डिजाइन करना है तो हम उसका पाइप डायामीटर इससे सेलेक्ट कर लेंगे। देखते हैं दूसरा स्टेप, इसमें हमें साल्टेशन वेलोसिटी, जो कि क्रिटिकल वेलोसिटी है, उससे अप हम इस वेलोसिटी से अप अगर हम वेलोसिटी रखेंगे तो मटेरियल एयर में सस्पेंडेड रहेगा, सेपरेट नहीं होगा। तो ये वेलोसिटी कैलकुलेट करने का हमारा मकसद है कि हम इस वेलोसिटी से अप हमारे सिस्टम को चलाएं। इस वेलोसिटी से 20% हायर हम वेलोसिटी सेलेक्ट करेंगे। तो देखते हैं, इसका फॉर्मूला यू साल्ट होता है 1.06 × MP, जो कि मटेरियल ट्रांसफ़र रेट है केजी पर सेकंड। जैसे कि 2000 kg/h है तो 2000/3600 तो 0.55 kg/s हुआ। उसके बाद MP को मल्टीप्लाई किया है 10^8
ये जो कि एक कांस्टेंट है इनटू जी रेस टू बी बाई टू, बी भी एक कांस्टेंट है, जी ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है, इनटू डी जो कि पाइप डायमीटर है रेस टू बी बाई टू माइनस टू, एंड दिस होल इज रेस टू 1/b+1। तो ये ए और बी कांस्टेंट से पूरा इक्वेशन है। ए का क्या वैल्यू होता है और बी का क्या वैल्यू होता है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, और ए बी कांस्टेंट डिपेंड करते हैं पार्टिकल डायमीटर डीपी पे। तो ए का वैल्यू होता है 1.44 इंटू डीपी प्लस 1.96, और बी का वैल्यू होता है 1.1 इंटू डीपी प्लस 2.5। तो दोस्तों ऐसे हम ए और बी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ऑलरेडी डी हमारे पास स्टेप वन में मिल गया है जो कि पाइप डायमीटर है, और जी ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है, और एम पी हमको टन पर आवर से मिल गया है। तो सारे डेटा अभी हमारे पास अवेलेबल है, और इसके अंदर हम फीड करके यू साल्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे जो कि सॉल्टेशन वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी से हमें हमेशा हमारा वेलोसिटी ज़्यादा रखना है। तो स्टेप थ्री में दोस्तों देखते हैं प्रेशर लॉस पाइप में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला है वी स्क्वेयर, जो कि हम जो वेलोसिटी रख रहे हैं यू साल्ट से अप, तो वी हमारा होता है यू साल्ट इंटू 1.2। तो इसको वी स्क्वेयर किया है इंटू 0.6 प्लस 0.96 यू। यू एक फैक्टर है जो हमारा प्रोडक्ट है, और जो एयर है उन दोनों का मास का रेशियो, उसे यू कहा जाता है, मास रेशियो है ये। तो इससे मल्टीप्लाई किया है प्लस 0.24 प्लस 0.0012 यू होल इंटू एल इंटू वी स्क्वेयर बाई डी प्लस 11.76 इंटू 1 प्लस 1.6 यू इंटू एच। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है लॉस का, इसमें फर्स्ट जो कंपोनेंट आता है वी स्क्वेयर इंटू 0.6 प्लस 0.96 यू, ये कंपोनेंट है आपका एक्सीलरेशन का, और सेकंड कंपोनेंट है आपका फ्रिक्शन लॉसेस, वॉल फ्रिक्शन लॉसेस का, और थर्ड कंपोनेंट है जो कि हाइट से मल्टीप्लाई किया है, ये है आपका वेट लिफ्टिंग का। तो ऐसे तीनों लॉसेस हमने कैलकुलेट किया है। ये लॉसेस कैलकुलेट करने के बाद स्टेप फोर में हम ब्लोअर का पावर रिक्वायर्ड पी कैलकुलेट करेंगे, जो कि होता है 165 इंटू एम ए इंटू एल एन पी टू बाई पी वन। पी टू जो कि ब्लोअर का आउटलेट प्रेशर है, और पी वन इनलेट प्रेशर है। तो आउटलेट प्रेशर मेरा लॉसेस प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, और इनलेट प्रेशर मेरा एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है जो कि पास्कल में है। तो इस तरह हम ब्लोअर का पावर कैलकुलेट कर लेंगे। दोस्तों मैंने एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। ये एग्जाम्पल है, इसमें हमें दिया गया है कि हमें 2 टन पर आवर स्पाइसेस को, पाउडर्ड स्पाइसेस हैं जिनमें पार्टिकल साइज 0.2 mm से लेस है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, और जो हॉरिजॉन्टली 3 मीटर का पाइप उसमें है, और वर्टिकली वो 10 मीटर्स हाइट पे जाता है, और इसमें 2 जगह बैंड हैं। तो ये डेटा हमें दिया गया है। इस डेटा से हमें क्या क्या मिलता है, 2 टन पर आवर हमारा कैपेसिटी है, और हमारा पार्टिकल साइज डीपी 0.2 है, और लेंथ जो हमारा है 6 मीटर है, और जो वर्टिकल हाइट है वो 10 प्लस 2 बैंड इंटू 7.5, पर बैंड 7.5 मीटर का लॉसेस रहता है। तो इस तरह हमारा वर्टिकल हाइट टोटल 25 मीटर्स हो जाता है। तो ये हमें दिया गया है। अब हम पहले हमारा रफ एस्टिमेट पाइप डायामीटर का कर लेंगे, जो कि हम न्यूमेटिक कन्वेयर के लिए यूज करेंगे। तो इसमें हमें 2 टन दिया गया है, तो हमारे इसमें 75 mm का पाइप हमें चाहिए। तो दोस्तों सेकंड स्टेप में हम यू साल्ट का वैल्यू, साल्टेशन वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम फॉर्मूला में हमारा एमपी जो है मटेरियल ट्रांसफ़र रेट, वो 2 टन बाई 3600 सेकेंड, तो 0.55 सेकेंड को रखेंगे, और ए की वैल्यू हम पार्टिकल
डायामीटर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो 2.248 आता है और बी की वैल्यू 2.72 आता है। तो ये डेटा डायामीटर ऑलरेडी हमें फर्स्ट स्टेप में मिल गया है, तो ये डेटा हम यूसाल्ट के फॉर्मूला में रखते हैं तो हमारा यूसाल्ट होता है 1.06 इंटू 0.55 इंटू 10^2.248 इंटू 9.8^1.36 इंटू 0.05^-0.74^1/3.72। तो हमें 13.45 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी मिलता है। दोस्तों ये मिनिमम वेलोसिटी है, इससे कम रखेंगे तो हमारा मटेरियल सेटल होने लगेगा। तो दोस्तों थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि यूसाल्ट की वैल्यू को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा एक्चुअल वेलोसिटी जो ब्लोअर से चाहिए वो मिल जाएगा। तो वो हमें 16 मीटर पर सेकंड मिल गया है और हम यू जो कि मास ऑफ प्रोडक्ट बाय मास ऑफ एयर, ये जो यू रेशियो है इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये रेशियो हमें 6.48 मिलता है। और मास ऑफ एयर हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास है और पाइप का हमारे पास एरिया है और एयर की डेंसिटी है, तो इसकी मदद से हम एयर का केजी पर सेकंड मास फ्लो रेट हम कैलकुलेट करेंगे। और हमारे पास लेंथ ऑलरेडी है जो कि हॉरिजॉन्टल लेंथ और वर्टिकल लेंथ है। तो दोस्तों ये लॉस फॉर्मूला में पूरा डेटा रखने के बाद हमें प्रेशर लॉस मिलता है 5738 पास्कल। तो दोस्तों इस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऐड करेंगे तो हमें ब्लोअर का आउटलेट प्रेशर जो है वो हमारा मिल जाएगा और इनलेट प्रेशर हमारा ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इस तरह हम जो फोर्थ स्टेप में हमारे पावर के लिए हम फॉर्मूला में 165 इंटू हमारा जो मास ऑफ एयर है वो है 0.085 और इसको नेचुरल लॉगरिथम ऑफ P2/P1, P2 जो कि आउटलेट ब्लोअर प्रेशर है और P1 इनलेट है, तो ऐसे रखते हैं तो हमें 0.77 किलोवाट मिलता है। दोस्तों लेते हैं वो सेम एग्जांपल जो हमने अभी कैलकुलेट किया, लेकिन इस बार हम 75 mm डायामीटर को चूज़ करने के बजाय 50 mm का डायामीटर चूज़ करेंगे। तो हम देखना चाहते हैं कि ऐसा करने पर क्या होता है। तो हम हमारे सिस्टम से नहीं जाके जो एस्टीमेट हमने फर्स्ट स्टेप में जो टन के अकॉर्डिंग पाइप साइज एस्टीमेट किया है वो नहीं करके 2 टन के लिए हम 50 mm डाया सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह हमें साल्टेशन वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हमें साल्टेशन वेलोसिटी 14.54 मीटर पर सेकंड मिलता है। तो दोस्तों जो पाइप डायामीटर रिड्यूस होने से हमारा साल्टेशन वेलोसिटी बढ़ गया है। फिर स्टेप 3 में प्रेशर लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम वापस सेम सारे स्टेप्स लेंगे जिसमें हमारा जो वेलोसिटी है वो साल्टेशन वेलोसिटी से 1.2 टाइम्स है तो हमें 17.45 मिलता है, वो हायर है। हमारा जो प्रोडक्ट ट्रांसफ़र रेट है MP/MA, मास ऑफ प्रोडक्ट बाय मास ऑफ एयर, वो भी हमारा हाई हो जाता है, 13.38 हो जाता है। तो इस तरह हमें लॉसेस जो है 50 mm डाया लेने पर हमें टोटल लॉसेस 12,144 पास्कल्स मिलता है। स्टेप 4 में हम इसका पावर कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि पावर जो है वो बिल्कुल सेम रहा है। हमने 75 mm का पाइप लिया और 2 टन कन्वे किया तो हमें 0.77 किलोवाट मिला, और हमने 50 mm का पाइप लिया और 2 टन कन्वे किया तो भी हमें 0.76 किलोवाट मिला। तो दोस्तों हमारा इसमें चेंजेस क्या हुआ है कि पाइप छोटा होने से हमारे प्रेशर लॉसेस बढ़ गए हैं, हमारा जो वर्किंग वेलोसिटी है वो बढ़ गया है। तो वेलोसिटी बढ़ जाने से मेरे पार्टिकल को वो डैमेज भी कर सकता है,
उसको ग्राइंड भी कर सकता है और हायर इरोजन होता है। तो दोस्तों स्मॉल पाइप लेने से आपको पाइप का इरोजन होगा और आपका मटेरियल भी डैमेज होगा, और आप देखेंगे कि दोनों केस में आपको पावर सेम लग रहा है, तो आपका प्रेशर बढ़ा है लेकिन आपका जो फ्लो है एयर का वो घट गया है, क्योंकि आपकी जो पाइप की साइज है वो घट गई है। तो दोस्तों फर्स्ट केस में हमारा ब्लोअर जो चाहिए था वो 573 mm का प्रेशर का चाहिए था, और उसमें फ्लो चाहिए था 255 क्यूबिक मीटर पर आवर, और सेकंड केस में हमको प्रेशर मिलता है 1214 mm का और फ्लो हमको रिड्यूस होके 146 क्यूबिक मीटर पर आवर। तो दोस्तों बट अवेलेबल ब्लोअर के अकॉर्डिंग अगर आप डिजाइन करना चाहते हैं, आपके पास ब्लोअर अवेलेबल जो है वो चेक करके आप फिर डिफरेंट पाइप से प्रेशर और फ्लो चेक कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों एग्जांपल को देखने से हमको 600 mm का फैन, सेंट्रीफ्यूगल फैन और 250 क्यूबिक मीटर उसका कैपेसिटी, ये मिलना आसान है और आप इसको 75 mm के पाइप को ले सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन आप न्यूमेटिक कन्वेयर को डिजाइन कर सकते हैं। और दोस्तों क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, हम न्यूमेटिक कन्वेयर का पार्ट टू और बनाएंगे, जिसमें हम 15 टन पर आवर का बड़ा कन्वेयर, जो कि जिसका लेंथ भी करीबन 150 मीटर लेंथ का है, उसका एग्जांपल लेंगे और उसको कैलकुलेट करके देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की जानकारी मिलती रहे।